हमारा प्रयास रहा है जब से हम योगी जी की सरकार आई है कि राम मनोहर लोहिया को उस तर्ज पे ले जाएं जो कि एक प्रकार से केजीएमयू और पीजीआई है। तो इसलिए जो जिस प्रकार जितने भी आधुनिक उपकरण हैं जिसकी आवश्यकता होती है वो सब हम लोग यहाँ पर राम मनोहर अस्पताल मिला है जहाँ पे निःशुल्क सेवाएँ दी जाती हैं। तो आज सिटी स्कैन को भी हम लोग लेकर आए हैं और उसी प्रकार पहले भी और भी अनेक उपकरण यहाँ पर लगवा चुके हैं। तो मुझे खुशी है एक सीटी स्कैन भी यहाँ पे आया है और जो गरीब जनता है उसको इसका लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर एक नया भी पैथोलॉजी सेंटर भी चल रहा है जिसका भी बड़ा भारी लेवल पे एक्सपेंशन हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है ये निशुल्क हैं। तो जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो पिछड़े वर्ग की है, दलित वर्ग की है, उन सबको इन सब सेवाओं से लाभ मिलेगा। मुझे तो नहीं देखा कि गिरती हुई है, शायद आपने 15 साल पुराने जो गिरती हुई थी उसके लिए शायद पूछ रहे होंगे, मगर हम लोगों ने यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत पहले से बेहतर करी है और बेहतर करनी है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोकबंधु को आप हाईटेक कर रहे हैं सर, उसके लिए क्या रोड मैप है? देखिए, लोकबंधु को अब एक नए उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा अस्पताल बनाने के लिए, विशेष रूप से लखनऊ में बनाने के लिए, क्योंकि राम मनोहर लोहिया का विलय हो चुका है तो जो निःशुल्क सेवाएं गरीबों को देते हैं, तो उस दिशा से लोकबंधु को अब अपना एक नया प्रोजेक्ट बड़े अस्पताल के रूप में हम लोग उसको विकसित करेंगे, उस दिशा में हमने काम शुरू किया। वो इसलिए था कि वो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित किए हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से। वो सबसे निचले स्तर पे पैदान पे खड़े हुए उत्तर प्रदेश में, तो उनको ऊपर लेकर आना है। तो वहाँ पे जब दौरा करा है तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं, कमियाँ हैं, उसको समझा है और उसमें किस प्रकार से सुधार समयबद्ध हो सकता है उसकी एक रणनीति बनाई है। तो इसलिए मेरा ये दौरा था। हम लोग उसमें भी प्रयास करते आ रहे हैं। आज यही कारण है कि 2800 आयुष डॉक्टर पीएचसी पे बैठने लगे हैं। आज यही कारण है कि आउट ऑफ बॉक्स जाके वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 500 से ऊपर स्पेशलिस्ट हम लोग लेकर आ गए हैं। तो दिक्कत पूरे देश में है, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। 6 लाख डॉक्टरों की कमी है पूरे देश में। अब उसके लिए देश की एक योजना होती है, पीजीज और आए, वहाँ से सीटें और बढ़ें, वो एक अलग विषय है। इसीलिए हम लोग 13 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं सुधार की तरफ ही हैं, मगर सब चीज़ों में समय लगता है और आज का हो कल हो जाए वो संभव नहीं है। अब अखिलेश जी को कभी कभी आईना जरूर देख लेना चाहिए। अब वो मैं इसलिए नहीं कहना क्योंकि बच्चों के साथ वो गए हुए हैं छुट्टी पे, तो शायद ये आईना नहीं देख पा रहे होंगे, और इसलिए मैं उनको यही कहूँगा कि आप छुट्टी का आनंद लीजिए, मगर जब आए तो आईना देखें और याद करें मेट्रो जब चलाया था तो उस समय फीता किसने काटा था, और उस समय तो टिकट भी नहीं कटा था, और वहाँ पर आपने हमारी सरकार जब आई तो साल भर लग के उसको मेट्रो को चलवाया, आपने फीता काट दिया ताज एक्सप्रेसवे का, प्लेन तक उतरवा लिया आपने फाइटर जेट्स, मगर वहाँ पे एक गाड़ी नहीं दौड़ी थी। तो फीता कौन काटता रहा है उसका अखिलेश जी जब आईना देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा।